और इसी के साथ ही बाढ़ और बारिश की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान, यूपी, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा खबरें राजस्थान से आ रही हैं। वहां कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बहुत बड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि उनके लिए यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाएं, उससे पहले देखिए एक और तस्वीर। कुल मिलाकर 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि हालात किस कदर लोगों के बहुत मुश्किल हो गए हैं। शुरुआत हम करेंगे पटना की तस्वीरों से। पानी में डूबे हुए गांव आपको दिख रहे हैं। राजस्थान के बारां की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोगों की परेशानी वहां बढ़ी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नदी में कार बह गई है, ये तस्वीर माधोपुर सवाई माधोपुर से सामने आई है। वहीं राजस्थान में बाढ़ में फंसी महिला का रेस्क्यू किया गया है। और मध्य प्रदेश के श्योपुर से ही ये तस्वीरें जहां पर सब कुछ जलमग्न हो गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर जा रही एक बस अचानक गड्ढे में गिर गई और सामने वाले वीडियो में आपको दिख रहा है कि सड़क पर जैसे ही बस गड्ढे में फंसी उसमें सवार एक आदमी बस से नीचे कूदा। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं बल्कि वहीं खड़ी हो गई और इस बस में कई लोग सवार थे जो सुरक्षित बाहर निकल आए। बाढ़ में लगातार हालात इस तरह की तस्वीरों को आने पर मजबूर कर रहे हैं कि कई जगह लोगों की गाड़ियां फंस जा रही हैं, उसमें लोग फंसे हुए हैं। बस गड्ढे से निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की तस्वीरें हैं ये। दरअसल इस वक्त बाढ़ और बारिश का इतना ज्यादा संकट वहां गहराया हुआ है कि हालात ये हो गए हैं कि वहां सड़क पर जा रही एक बस अचानक गड्ढे में फंस गई। सामने आए वीडियो में आपको दिख रहा है कि सड़क पर जैसे ही बस गड्ढे में फंसी उसमें सवार एक आदमी बस से नीचे कूद गया। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं बल्कि वहीं खड़ी रही और इस बस में कई लोगों को सवार होते हुए देखा गया और बाद में एहतियातन उन्हें सुरक्षित निकाला गया। समय पर यह ऑपरेशन किया गया, नहीं तो हो सकता था कि कुछ लोगों की जान आफत में फंस जाती। बाद में बस गड्ढे से निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई।